सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं होप करता हूँ आप सब बढ़िया हो एंड आगे भी बढ़िया रहना। तो यार, आज की जो ये वीडियो होने वाली है, इस पे बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी इंडियन टीम्स है, जो हमारी इंडियन ई स्पोर्ट्स टीम्स है, क्या उनको कोचेस की ज़रूरत है। अगर कोच आएंगे हमारी इंडियन ई स्पोर्ट्स टीम में तो क्या उनको बेनिफिट्स होंगे, क्या उनको फ़ायदे होंगे एंड क्या क्या उनको एडवांटेजेस होंगे। एंड यार, अगर आप मेरे को कोई अगली कोई यूनिक टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसके ऊपर श्योरली वीडियो बनाऊँ। तो यार, जितने भी हमारे इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स टीम्स है, आपने देखा होगा कि उस टीम के पास मतलब कोच रहते हैं एंड उस टीम के पीछे मतलब 5 से 6 जन अलग रहते हैं, कोई टीम मेंबर नहीं होता, जो कि उनके डॉक्टर, कोच एंड बाकी सब। मतलब एक ई स्पोर्ट्स टीम के पीछे मतलब 5 जन लगे हुए हैं, मतलब उस ई स्पोर्ट्स टीम को मतलब पूरे एकदम फैसिलिटीज मिल रही है। एंड हमारे इंडिया में ना तो कोई प्राइवेट डॉक्टर होता है, ना तो कोई कोच होता है, ना नथिंग होता है। तो इसलिए जो हमारी इंडियन टीम से मतलब वो कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड करती है। एंड यहाँ पे मैं आप सबको रीजंस बताने वाला हूँ एंड ये रीजंस मैं अपने आप से नहीं, मतलब मैंने एक बहुत ही बड़े ई स्पोर्ट्स प्लेयर से पूछा है, जो कि हमारे FFICA के फाइनल्स भी खेले थे। मतलब गेस कर सकते हो भाई मैंने किससे ही पूछा होगा। तो मतलब मैंने पूछा है, मतलब ऐसे नहीं कि मैं वैसे ही बक रहा हूँ, मतलब पूल मेरे पास प्रूफ है। तो यार, आपने एक चीज देखा होगी, जो हमारी इंटरनेशनल टीम्स है उनके बीच में बहुत कम लड़ाइयाँ होती है और जो हमारी इंडियन टीम्स है उसके अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है। एंड आपने अभी रिसेंटली देखा जो हमारी TSM FTX में लड़ाई हुई थी, एंड वो बेसिकली इस तरह थी कि जो हमारे इंद्र भाई, मतलब कई जो जोन प्रेडिक्शन होता है, मतलब जो हमारे इंद्र भाई न्यू मेटा के बाद वो कर नहीं पा रहे थे। हमारे इंद्र भाई मतलब यूट्यूब में, जो फेसबुक, मतलब हर जगह एक्टिव थे एंड मतलब वो जोन प्रेडिक्शन जो होते हैं न्यू मेटा का, मतलब उनसे नहीं हो पा रहा था। मतलब ऐसा जो था हमारे मॉन्क एंड JYT का कहना था। सो इस वजह से जो हमारी टीम TSM FTX है उससे हमारे इंद्र भाई एंड एमेट्रॉन को निकाला गया था। अब देखो, ऐसा तो सीन कभी इंटरनेशनल टीम्स में नहीं होता, क्योंकि जो इंटरनेशनल टीम में जो IGL होते हैं उनको जोन प्रेडिक्शन करना नहीं पड़ता, उनके लिए कोच रहता है जो कि उनको बताता है कि मतलब कैसे क्या जोन बनेगा, कौन से कैसा। एंड जब न्यू मेटा आता है तो IGL के ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं होता, जो कोच होता है उसके ऊपर प्रेशर होता है। एंड वो मतलब जो IGL उनको समझाता है कि जोन ऐसे बनेगा, ऐसे आपको रोटेशन काटना है ये सब। सो अगर इंडियन टीम्स के पास अगर कोचेस आएंगे तो जो मतलब जो हमारी इंडियन टीम्स है उनके जो बीच में जो लड़ाई होती है उनके अंदर ही अंदर लड़ाई नहीं होगी एंड जितनी भी टीम्स है वो टूटते टूटते मतलब बच जाएगी। एंड वो टीम्स मतलब जैसे हमारे TSM FTX के साथ हुआ था, ये अगर ना होता, अगर उनके पास एक कोच होता। तो यार, जो सेकंड पॉइंट निकल के आता है वो निकल के आता है प्रेशर। तो जो हमारे IGL होते हैं, जो हमारे इन गेम लीडर्स होते हैं हमारे इंडियन ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी में, उन पे एक गेम के अंदर और गेम के बाहर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, क्योंकि रोटेशन भी अपनी टीम को उन्हें कटवाना पड़ता है, जो जोन प्रेडिक्शन होता है वो भी उन्हें कटवाना पड़ता है। एंड अगर बाई चांस अगर जो टीम मतलब रोटेशन में अगर मर जाए तो जो सारा का सारा जो जिम्मेदारी होता है मतलब वो IGL पर चला जाता है। एंड जो टीममेट्स होते हैं मतलब वो कह देते हैं कि भाई जो IGL है भाई, मतलब इसने रोटेशन कटवाया था इसलिए हम लोग मर गए। इससे जो हमारा IGL होता है वो कहीं कहीं प्रेशर में रहता है, लेकिन इंटरनेशनल टीम्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो IGL होता है मतलब वो भी एकदम फ्री माइंड खेलता है, क्योंकि जो कोच है भाई मतलब वो पूरा एनालाइज करता है एंड कोच का काम ही ये होता है कि मतलब वो उसको एनालाइज करना है, मतलब सीजन प्रेडिक्शन करना है। तो जो कोच है मतलब वो एनालाइज मतलब अच्छे से कर लेता है एंड जो हमारे IGL होते हैं इंटरनेशनल टीम्स का, मतलब वो बस गेम पे फोकस करते हैं। एंड जो हमारे इंडियन टीम्स का IGL होते हैं उन पर कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है, क्योंकि भाई मतलब जो अगर वो ग्राउंड प्रेडिक्शन गलत हो गया एंड रोटेशन में अगर टीम पूरी मर गई तो जो पूरा का पूरा जिम्मेदारी चला तो हमारे IGL पे चला जाता है। एंड जो हमारे IGL है कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा सा प्रेशर रहता है। जो थर्ड पॉइंट है वो आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, जैसे है कि हमारी इंडियन टीम्स एंड एक इंटरनेशनल टीम्स। ओके, तो जो हमारी इंडियन टीम्स है उनके पास कोचेज नहीं होते, तो ऐसा सीन क्या होता है कि जो हमारे IGL है उसको बहुत सारा काम करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, रोटेशन कटवाना है, मतलब कैसे क्या कटवाना स्ट्रेटजी एंड मतलब बहुत कुछ बनाना पड़ता है। एंड जो हमारे इंटरनेशनल टीम्स होते हैं उनको कुछ नहीं करना पड़ता, उनको बस जाना है और खेलना है, क्योंकि इंटरनेशनल टीम के पास कोचेस होता है जो कि सारा काम करते हैं। तो जब एक बंदा जब 4-5 काम करेगा एंड जब 2 बंदे मिलकर मतलब एक बंदा एक काम करेगा एंड बाकी जो बंदा है वो अपना काम करेगा, तो सेकंड जो इंटरनेशनल टीम से मतलब उनको फायदा आता है। तो क्योंकि यार, एक बंदा जब 3-4 काम करेगा तो भाई मतलब वो किसी ना किसी काम पे सही से फोकस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जब एक बंदा एक ही काम करेगा तो उस पर जो वर्कलोड होगा बहुत कम होगा एंड वो जो भी काम करेगा एकदम अच्छे से करेगा एंड अपना पूरा 100% देगा। एंड देखो, जब एक टीम में मतलब जो एक कोच होगा तो टीम में डिसिप्लिन है मतलब वो बहुत ज़्यादा मेंटेन रहेगी एंड जो टीम है मतलब वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर पाएगी। अब मैंने ये बोला था कि मैंने किसी एक्सपीरियंस बंदे से पूछा था कि मतलब भाई क्या क्या पॉइंट्स होगा, तो मैं आपको बताता हूँ वो एक्सपीरियंस बंदा कौन है। तो वो है हमारे GXR के GXR XDivine, जो कि अभी NGX XDivine है एंड उन्होंने अपना FFIC का मतलब जो फाइनल्स है वो भी खेला था, आप सब उनको जानते ही होंगे। एंड जो चैट है मैं वो आप सबको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने XDivine से पूछा था कि भाई मतलब क्वेश्चन पूछा था
टू इसके पास कोच आने से क्या बेनिफिट्स होंगे, तो उन्होंने जो जो पॉइंट्स लिखे थे भाई मैंने मतलब वो आप सबको बता दिया है। एंड यहाँ पे मैंने उनको परमिशन लिया था कि भाई मैं चैट डाल सकता हूँ वीडियो में, क्योंकि विदाउट अगर कुछ डालूंगा तो कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ी दिक्कत होगी, तो मैंने उनसे पहले ही पूछ लिया था। तो यार आई होप कि आपको समझ आ गई अगर इंडियन टीम के पास कोचेस आए तो उनको क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। एंड 5 से 6 महीने के अंदर आपको डैम श्योर हमारे इंडियन टीम के पास कोचेस देखने को मिल जाएंगे। एंड लगभग 1.5-2 साल बाद आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे हम इंटरनेशनल टीम्स को ट्रीट किया जाता है वैसे हमारे इंडियन टीम्स को भी ट्रीट किया जाएगा।